तो सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? कैबिनेट सचिव तक पढ़ लिया था, मतलब संसदीय प्रक्रिया चल रही है अपनी, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात कर ली थी। तो अपने बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, संसदीय प्रक्रिया है, उसके बारे में। क्या पढ़ रहे थे? संसदीय प्रक्रिया। तो आज हम बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया के अन्य फैक्टों पे। तो इसमें आपने सबसे पहले, जैसे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, संसदीय प्रक्रिया, इसमें एक आर्टिकल देखा था हमने, अनुच्छेद 118 में आपने पढ़ा कि संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद बनाता है। संसदीय प्रक्रिया के नियम कौन बनाता है? तो संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद बनाता है। संसदीय प्रक्रिया के नियम कौन बनाता है? संसद बनाता है। एक आपने देखा था अनुच्छेद 120 में आपने पढ़ा कार्यकारी भाषाएं हैं। क्या हैं? संसद की कार्यकारी भाषाएं किसमें हैं? अनुच्छेद 120 में संसद की कार्यकारी भाषाएं हैं। इसका मतलब है कि संसद की लिखित कार्रवाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। लिखित कार्रवाई किस में होती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। और संसद की बोलने की जो भाषा है वो कोई भी हो सकती है, अध्यक्ष से अनुमति, परमिशन लेकर के, पीठासन अधिकारी। लोकसभा का अलग होता है, राज्यसभा का अलग होता है। लोकसभा का मुख्य पीठासन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा का मुख्य पीठासन अधिकारी राज्यसभा का सभापति। उनसे परमिशन लेकर के कोई भी सदस्य किसी भी भाषा में अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकता है। और संसद की कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो हैं हिंदी व अंग्रेजी। संसद की कार्यकारी भाषाएं क्या हैं? हिंदी और अंग्रेजी हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषाएं इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी है? इंग्लिश है। इसके अलावा आपने देखा था अनुच्छेद 121 में आपने पढ़ा कि संसद न्यायपालिका पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। संसद न्यायपालिका पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। ये पढ़ा था क्या? टिप्पणी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले जो हैं उनका पूरे देश में सम्मान होना चाहिए। संसद उस पर किसी प्रकार का क्या नहीं करेगा? कमेंट नहीं करेगा। तो ये हमने अनुच्छेद 118 में पढ़ा संसदीय प्रक्रिया के नियम संसद बनाता है। अनुच्छेद 120 में पढ़ा संसद की कार्यकारी भाषाएँ हिंदी और अंग्रेजी हैं। बोलने की भाषा कोई भी हो सकती है, अध्यक्ष से अनुमति लेकर। अनुच्छेद 121 में संसद न्यायपालिका पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा। एक इसमें आर्टिकल आता है अनुच्छेद 85 में आपने बातें पढ़ी कि एक तो इसमें संसद का सत्र अधिवेशन करने की बात की गई है। तो अधिवेशन जो है, संसद का अधिवेशन, उसे बुलाना, संसद का अधिवेशन आहूत करना मतलब बुलाना, और इस एक सत्र या अधिवेशन का सत्रावसान का मतलब है समापन। सत्रावसान का मतलब क्या है? समापन से है। अब देखिए अनुच्छेद 85 में संसद का अधिवेशन है, तो सबसे पहली बात यह आती है कि अधिवेशन कहते किसे हैं? अधिवेशन किसे कहते हैं? तो अधिवेशन की परिभाषा में एक बात आएगी कि संसद की बैठक प्रारंभ होने से लेकर बैठकों का दौर
लास्ट जब तक चलता है जितने दिन, वो एक अधिवेशन या सत्र कहलाता है। संसद का सत्र या अधिवेशन किसे कहते हैं? बैठकों का दौर प्रारंभ होकर के लास्ट जब तक बैठकों का दौर चलेगा 10 दिन 15 दिन 8 दिन, वो क्या कहलाएगा? अधिवेशन कहलाएगा। अब संसद का सत्र या अधिवेशन आहूत बुलाने का कार्य कौन करता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान समापन करने का कार्य जो है वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ये सारे कार्य केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से करता है। तो अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र या अधिवेशन बुलाने की प्रक्रिया है। एक इसमें आपने पढ़ा था कि लोकसभा जो होता है ये अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन समय से पहले इसका क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है। विघटन का मतलब होता है भंग होना। भंग होने का मतलब यहाँ पे है कि उस दौरान लोकसभा के सारे उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा को जैसे ही भंग कर दिया जाता है तो उसके बाद नई लोकसभा का गठन होगा, 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट बात अपन करेंगे, जैसे हमारा जो संसदीय प्रणाली है, हमारे देश की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली में एक प्रावधान है कि एक वर्ष में दो अधिवेशन अनिवार्य हैं। एक वर्ष में दोनों सदनों में दो अधिवेशन अनिवार्य हैं, जिनके मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया है। तो संसदीय प्रणाली में एक वर्ष में दो अधिवेशन अनिवार्य हैं। कितने अधिवेशन अनिवार्य हैं? दो अधिवेशन अनिवार्य हैं, जिनके मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब हमारे देश में सामान्यतया 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। सामान्यतया कितने अधिवेशन बुलाए जाते हैं? 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। पहला जो अधिवेशन है उसका नाम है बजट सत्र। क्या नाम है? बजट सत्र पहला अधिवेशन है। संसद का पहला अधिवेशन का नाम क्या है? बजट सत्र है। और ये जनवरी फरवरी में बुलाया जाता है। जनवरी फरवरी में कभी भी बुला सकते हैं, इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, वो केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। और बजट सत्र 2 चरणों में चलता है। कितने चरणों में चलता है? 2 चरणों में बजट सत्र, ध्यान रखना है, 2 चरणों में चलता है। एक तो प्रथम चरण जिसपे बजट पे परिचर्चा होती है, और एक द्वितीय चरण बजट प्रस्तुत होता है। और बजट सत्र कितने चरणों में चलेगा? 2 चरणों में चलेगा। और संसद का ये सबसे लंबा सत्र है, सबसे लंबा अधिवेशन कह सकते हैं हम इसको, सबसे लंबा अधिवेशन होता है ये। और बजट सत्र में प्रश्न काल नहीं होता है। बजट सत्र में प्रश्न काल नहीं होता। बजट सत्र में प्रश्न काल नहीं होता। और बजट सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन अनिवार्य है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है इसमें, क्योंकि यह वर्ष का पहला सत्र या अधिवेशन है, तो इसमें राष्ट्रपति का क्या होता है? अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण इसमें होता है। तो वर्ष का पहला जो अधिवेशन होता है उसका नाम है बजट सत्र। क्या नाम है? सबसे लंबा सत्र होता है, 2 चरणों में चलता है, इसमें प्रश्न काल नहीं होता, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो इसमें होता है अनिवार्य संबोधन। आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो अनिवार्य संबोधन है वो वर्ष का पहला अधिवेशन में और नई लोकसभा के गठन के बाद होता है। तो ये हो गया बजट सत्र। बजट सत्र के बाद में दूसरा जो अधिवेशन होता है उसका नाम है मानसून सत्र। क्या नाम है? मानसून सत्र। अब मानसून सत्र जो है ये उस दौरान आयोजित होता है जब भारत में मानसून सक्रिय होता है। उस दौरान जब भारत में क्या सक्रिय होता है? मानसून सक्रिय होता है। तो ज़्यादातर ये जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई
अगस्त महीने में इस अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में आता है तीसरा शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन। तीसरा आता है शीतकालीन सत्र। अब शीतकालीन जो सत्र है ये नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र का आयोजन कब होता है? नवंबर दिसंबर में। अब इसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर कभी भी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। हमारे देश की संसदीय प्रणाली में एक वर्ष में दो अधिवेशन अनिवार्य हैं। सामान्यतया तीन अधिवेशन बुलाए जाते हैं। पहले का नाम बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। इसके अलावा भी विशेष अधिवेशन आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर बुलाए जा सकते हैं। अब इसके बाद में संसदीय प्रक्रिया का अगला अपन पार्ट देखेंगे तो संसद की जो कार्यवाही चलती है, संसद की कार्यवाही, अब संसद की कार्यवाही दो चरणों में चलती है। एक तो सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 से 12 का टाइम होता है और एक 12 से 1 का टाइम होता है। 11 से 12 का जो टाइम होता है उसको पर्सन काल कहा गया है। क्या कहा गया है? पर्सन काल। और 12 से 1 का जो टाइम है इसको शून्य काल कहा गया है। हमारे देश में संसदीय प्रक्रिया के दौरान जो अधिवेशन आयोजित होते हैं, संसद की जो बैठक आयोजित होती है वो कितने बजे स्टार्ट होती है? 11 बजे। तो पहला जो घंटा है संसदीय प्रक्रिया का, प्रथम जो घंटा है उसे पर्सन काल कहा गया है। उसमें पर्सन पूछे जाते हैं। पर्सन काल का टाइमिंग क्या है? 11 से 12। और शून्य काल का टाइमिंग क्या है? 12 से 1। इसके बाद में होता है लंच। लंच का जो टाइमिंग है वो है 1 से 2। लंच का टाइमिंग क्या है? 1 से 2। अब ये तो हो गया लंच से पहले का दौर। उसके बाद में दोपहर बाद, लंच के बाद का जो टाइमिंग है वो है संसद का 2 से 6। 2 से 6 बजे तक इसमें अन्य परिचर्चा होती है। इसके अलावा अन्य परिचर्चा जो है वो 2 से 6 का टाइमिंग रखा गया है। और ये आगे किसी विधेयक पे, किसी अधिनियम बनाने की प्रक्रिया पे जब चर्चा लंबी करनी हो तो ये लंबा भी चल सकता है। ये नहीं है कि 2 से 6 बजे समाप्त होगा, ये 7, 8, 9, ये संसद की सुविधा अनुसार अध्यक्षों पीठासीन अधिकारी के आग्रह पे लंबा चलाया जा सकता है। तो संसदीय कार्रवाई दो चरणों में चलती है। पहला चरण लंच से पहले 11 से 1 बजे तक का टाइम, दूसरा चरण 2 से 4 बजे तक का टाइम होता है। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सन काल की, उसके बाद बात करेंगे शून्य काल की। तो देखिए, जैसे एक सबसे पहले बात आई पर्सन काल। पर्सन काल का मतलब है क्वेश्चन आवर। इसमें पर्सन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर। क्या पूछे जाते हैं? पर्सन पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के पर्सन आते हैं। पहला आता है तारांकित। पहला कौन सा आता है? तारांकित पर्सन। दूसरा आता है अतारांकित, अतारांकित। दूसरा आता है अतारांकित पर्सन। तीसरा आता है अलग सूचना आधारित, अलग सूचना आधारित। और तीसरा आता है इसमें गैर सरकारी सदस्यों से, गैर सरकारी सदस्यों से पर्सन पूछना, गैर सरकारी सदस्यों से पर्सन। मुख्य रूप से इसमें 4 बातें आती हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट आपको ये समझना है कि सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं। तो जो सदस्य मंत्रिमंडल में हैं, मंत्रिपरिषद में हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, अब सरकार को चलाने वाले मंत्री होते हैं तो मंत्री सारे सरकारी सदस्य कहलाएंगे। मंत्रियों क्या कहा गया है? सरकारी सदस्य कहा गया है। उसके अलावा जो अन्य मेंबर हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा गया है। तो सरकारी और गैर सरकारी सदस्य पार्लियामेंट में, मतलब समझ में आया कि सभी मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो मंत्री होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सरकारी सदस्य। और अन्य जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या कहलाएंगे? गैर सरकारी सदस्य। तो ध्यान रखना पर्सन काल का मतलब पर्सन पूछने से है। और पर्सन हमेशा सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं। किन से? सरकारी सदस्यों से।
तो प्रश्न काल में तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला तारांकित, तारांकित प्रश्न का मतलब होता है इन पे स्टार लगा होता है। क्या लगा होता है? स्टार लगा होता है। अतारांकित इन पे स्टार नहीं लगा होता। इसके अलावा अल्प सूचना आधारित प्रश्न। अब जैसे एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रश्न काल में सबसे पहले अपन बात करें तारांकित प्रश्न की, तारांकित प्रश्न। तो प्रश्न काल का टाइमिंग तो आपको पता चल गया कि प्रश्न काल का टाइमिंग क्या है, 11 से 12 का जो घंटा है वो क्या कहलाएगा, प्रश्न काल कहलाएगा। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन से हैं, तारांकित प्रश्न है, जिनके स्टार लगा होता है वो तारांकित प्रश्न होते हैं। अब इसमें 10 दिन पूर्व है, 10 दिन पूर्व क्या देनी होती है, इसकी सूचना देनी होती है। 10 दिन पूर्व है सूचना देनी होती है, और ये सूचना देनी होती है महासचिव को। किसको? महासचिव। आपने देखा है कि दोनों सदनों में एक एक महासचिव होता है। लोकसभा का तीसरा पदाधिकारी जो होता है वो महासचिव होता है। लोकसभा का प्रथम पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का द्वितीय पदाधिकारी लोकसभा उपाध्यक्ष, और लोकसभा का तीसरा पदाधिकारी महासचिव। ये गैर राजनीतिक पद होता है और किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को बनाया जाता है। तो 10 दिन पूर्व इसको सूचना दी जाती है कि किस मामले से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। ये उसे मंत्री को अवगत करवाएगा किस मामले पे चर्चा होनी है। तारांकित प्रश्न में ध्यान रखना है ये प्रश्न मौखिक प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं? मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और मौखिक प्रश्न और इनके उत्तर भी क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। इनके उत्तर भी क्या होते हैं, मौखिक उत्तर होते हैं। इनके मौखिक प्रश्न और मौखिक उत्तर होते हैं पार्लियामेंट में। और इसके बाद में तारांकित जो प्रश्न होते हैं इनमें एक बात ये ध्यान रखनी है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी होता है। पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार होता है। किस प्रकार के प्रश्नों में? तारांकित प्रश्नों में, मतलब क्रॉस क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कोई अन्य सदस्य वहां पे क्रॉस क्वेश्चन पुट कर सकता है जो तारांकित प्रश्न पहले किया गया है। और नेक्स्ट बात फिर आती है कि तारांकित प्रश्न 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है महासचिव के माध्यम से। ये प्रश्न मौखिक होते हैं और इनके उत्तर भी क्या होते हैं, मौखिक। अब ये किस सदन में कितने कितने पूछे जाते हैं, तो जैसे एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब लोकसभा में दो बातें आती हैं कि एक दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एक दिन में लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एक सदस्य अधिकतम कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 5 प्रश्न अधिकतम पूछ सकता है। कितने? एक सदस्य। एक सदस्य कितने पूछ सकता है? 5 सदस्य पूछ सकता है 5 प्रश्न। एक सदस्य 5 प्रश्न, और एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से? तारांकित प्रश्न। किसमें? लोकसभा में। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। राज्यसभा में इनकी संख्या क्या नहीं है? निर्धारित नहीं है। राज्यसभा में संख्या निर्धारित नहीं है। और लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न और एक सदस्य 5 प्रश्न, और इसमें प्रत्येक सदस्य को 8 मिनट का समय अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा एक प्रश्न पे कितना समय दिया जाता है? 8 मिनट का समय दिया जाता है। तो हम संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहले प्रश्न काल की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न काल में जो फर्स्ट प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? तारांकित प्रश्न है। तारांकित प्रश्न कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 10 दिन पूर्व सूचना देकर के महासचिव के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक उत्तर होते हैं। इसमें पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दिन में अधिकतम प्रश्नों की संख्या 20 है। एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है, और एक सदस्य को 8 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा इसमें आता है फिर अतारांकित प्रश्न। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न लिखित होते हैं। ये प्रश्न किस आधार पर होते हैं? लिखित प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न किस आधार पर होते हैं? लिखित प्रश्न होते हैं ये, और इनके उत्तर भी क्या होते हैं? लिखित होते हैं। उत्तर भी क्या होते हैं? लिखित होते हैं। उत्तर भी लिखित होते हैं। और इसके में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम एक दिन में 230 प्रश्न हो सकते हैं। एक दिन में कितने हो सकते हैं? 230 प्रश्न
हो सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी इनकी संख्या निर्धारित नहीं है। राज्यसभा में इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, राज्यसभा में संख्या निर्धारित नहीं है। तो अतरंगित प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? लिखित प्रश्न होते हैं, और इनके जवाब भी क्या होते हैं? लिखित होते हैं। और लोकसभा में अधिकतम कितने पूछे जा सकते हैं? एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं, कौन से तारांकित प्रश्न, ये हरे कागज पे होते हैं। तारांकित प्रश्न वैसे लिखित में पेश करने होते हैं, वहाँ पे रखने होते हैं पटल पे, तो तारांकित प्रश्न हरे कागज पे, कौन से कागज पे? हरे कागज पे अंकित होते हैं। और अतरंगित प्रश्न की बात करें तो अतरंगित प्रश्न जो है ये सफेद कागज पे लिखे होते हैं, सफेद, ये सफेद अक्षरों में होते हैं, सफेद कागज पे एक तरह से कह सकते हैं सफेद। और हरे की बात करें, कलर हरे रंग की बात करें, तो वो तारांकित प्रश्न होते हैं। इसके बाद में अलप सूचना आधारित तीसरा प्रश्न आता है, अलप सूचना आधारित, कौन सा? अलप सूचना आधारित प्रश्न, अलप सूचना आधारित प्रश्न। अलप सूचना आधारित प्रश्न जो होते हैं इनके जवाब 10 दिन के अंदर देने होते हैं, इनके जवाब 10 दिन के अंदर देने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके जवाब 10 दिन में देने होते हैं अलप सूचना आधारित प्रश्नों के। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि अलप सूचना आधारित प्रश्न ज़्यादातर तो मौखिक ही होते हैं, क्या होते हैं? मौखिक, लेकिन ये कभी कभी लिखित भी हो सकते हैं। अलप सूचना आधारित प्रश्न मौखिक होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये लिखित में भी हो सकते हैं। तो ये हो गई अलप सूचना आधारित प्रश्न। तो पहला आपने पढ़ा तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न 10 दिन पूर्व सूचना देख करके, महासचिव को सूचना दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं पटल पे। मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक जवाब होते हैं, और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछता है। राज्यसभा में इनकी संख्या निर्धारित नहीं है, एक सदस्य को 8 मिनट का समय दिया जाता है। और अतरंगित प्रश्न जो होते हैं ये लिखित प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर भी क्या होते हैं? लिखित होते हैं। राज्यसभा में इनकी संख्या क्या नहीं है? निर्धारित नहीं है। और लोकसभा में 230 प्रश्न अधिकतम एक दिन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आया अलग सूचना आधारित प्रश्न, जो 10 दिन का समय में इनके उत्तर देने होते हैं, और ये ज़्यादातर मौखिक हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। इसके बाद में गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछना, अगली बात आती है गैर सरकारी, गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछना। तो मंत्रियों के अलावा गैर सरकारी सदस्य जो सरकार में नहीं है उनसे प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भी गैर सरकारी सदस्यों में आता है। तो गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछने की प्रक्रिया चौथी प्रकार की प्रश्न काल की प्रक्रिया है। ये बातें भी किस काल में उठाए जाते हैं? प्रश्न काल में उठाए जाते हैं। कहाँ उठाए जाते हैं? प्रश्न काल में। अब प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? शून्य काल कहलाता है, शून्य काल। अब शून्य काल का मतलब जीरो आवर, शून्य काल का मतलब क्या है? जीरो आवर। जब घड़ी में 12 बजते हैं उसको शून्य काल कहा गया है, घड़ी में जो 12 बजते हैं उसको क्या कहा गया है? शून्य काल कहा गया है। और ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, भारतीय संसदीय प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है शून्य काल का। शून्यकाल नाम जो भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया है इसको, शून्यकाल जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया। अब शून्यकाल में जो चर्चा होती है, शून्यकाल में जो चर्चा होती है इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाती, पूर्व सूचना नहीं दी जाती। कोई भी मामला हो गया, पार्लियामेंट चल रही है, अचानक कोई घटना हो गई देश में किसी भी प्रकार की, और उस घटना पे पार्लियामेंट में चर्चा करवाना चाहते हैं, तो वो मुद्दे शून्यकाल में उठाए जाएंगे। और शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाते हैं ये कह सकते हैं अपन करंट अफेयर्स मुद्दे होते हैं। कौन से होते हैं? करंट अफेयर्स, मतलब समसामयिक मुद्दे। कौन से मुद्दे? समसामयिक, समसामयिक मुद्दे होते हैं ये, और ये मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल में। तो शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक का काल शून्यकाल कहलाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, ये भारतीय मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है एक तरह से। और 12 बजे कार्रवाई प्रारंभ होती है, समसामयिक मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं। तो ये प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल हो गया। अब शून्यकाल के बाद में क्या होता है? शून्यकाल के बाद में 1 से 2 क्या होता है? लंच होता है। अब 2 बजे बाद, 2 बजे
बाद की जो प्रक्रिया है इसमें अलग अलग परिचर्चा होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग परिचर्चा होती हैं। 2 बजे के बाद की प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग परिचर्चाएं होती हैं। और इसमें अगली बात ये आती है कि जो संसद के 2 सदन हैं दोनों सदनों में प्रक्रिया अलग अलग चलती हैं, दोनों सदनों में प्रक्रियाएं अलग अलग चलती हैं। अभी संसद भवन की अपन बात करें तो संसद भवन जो है उसमें एक पार्ट लोकसभा का है और एक पार्ट राज्यसभा का है। ये लोकसभा का पार्ट हो गया, ये राज्यसभा का पार्ट हो गया, ये हो गया सेंट्रल हॉल। क्या हो गया? सेंट्रल हॉल। अभी नया संसद भवन बन रहा है, अभी नया जो संसद भवन बन रहा है वो एक करंट का क्वेश्चन आता है कि उसका जो ठेका है टेंडर बनाने का वो किस कंपनी को दिया गया है, तो टाटा ग्रुप को दिया गया है। नया संसद भवन जो अभी बन रहा है 2026 में बन के तैयार हो जाएगा, तो उसमें इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसका परिसमन होगा लोकसभा सीटों का, राज्यसभा सीटों का परिसमन होगा। तो अनुच्छेद 82 में क्या है? अनुच्छेद 82 में परिसमन की बात की गई है। अनुच्छेद 82 में क्या है? परिसमन। परिसमन का मतलब क्या है? सीटों की संख्या में वृद्धि, संशोधन करना। सीटों की संख्या में संशोधन करना क्या कहलाता है? परिसमन कहलाता है। संसद की सीटों में परिसमन करना क्या कहलाता है? संशोधन करना क्या कहलाता है? परिसमन कहलाता है। तो सीटें बढ़ेंगी और इसमें क्या है कि सीटों की संख्या जो है वो फिक्स हो गई, स्पेस अभी है नहीं, इसलिए नए संसद भवन की बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमने संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात की है।